प्रदेश भर के आज प्राइवेट बस ऑपरेटरों की ओर से हड़ताल की जा रही है। प्रदेश में 30,000 से ज्यादा प्राइवेट बसों का आज चक्का जाम है। बस ऑपरेटरों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सभी ने मिलकर आज एक भी प्राइवेट बस को सड़क पर न उतारने का फैसला किया है। इस हड़ताल के कारण संचालित और ग्रामीण क्षेत्र की परिवहन सेवा खासी प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत डेली अप डाउन करने वाले नौकरी पेशा वाले लोगों को हुई है। कम दूरी की परिवहन सेवा पर भी इसका असर देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि परिवहन विभाग को कई बार समस्या समाधान के लिए ज्ञापन दिया, लेकिन विभाग की ओर से निजी बस ऑपरेटर्स की समस्या का समाधान आज तक नहीं किया गया है। पहले 23 सूत्री मांग पर विभाग को दिया गया, करीब 13 मांगें स्वीकार की गई, लेकिन आदेश जारी नहीं किए। इसे बस ऑपरेटर में भारी रोष व्याप्त है।